दोस्तों, जहां कोविड-19 के बाद सारे बिजनेसेस अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, वहीं गौतम अडानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में रोज एक एक पायदान आगे आते जा रहे हैं। 2018 में इनकी जो रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में पोजीशन थी वो 154 थी, आज वो बढ़ के ये छठे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। अगर हम अदानी पावर के शेयर्स देखें तो 2020 में उसकी वैल्यू सिर्फ 30 रुपए मात्र थी और कोई बैंक इनको लोन देने को तैयार नहीं था, और उन शेयरों की कीमत आज 250 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। कभी डायमंड फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले गौतम अडानी के शेयर्स आज 600% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और गौतम अडानी ऐसे पहले भारतीय हैं जिनकी 5 कंपनियां 1,00,000 करोड़ के वैल्यूएशन से ज्यादा हो चुकी हैं। आज गौतम अडानी कोयला, पोर्ट, एयरपोर्ट और घर में इस्तेमाल होने वाली तेल की चीजों से भी बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं और मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो दोस्तों, गौतम अडानी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कारोबारी हैं। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में साल 1962 में हुआ था। ये एक बेहद गरीब परिवार से बिलोंग किया करते थे और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था इनका परिवार, जिस वजह से इनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 16 साल की उम्र में ये अहमदाबाद छोड़ के मुंबई आ जाते हैं काम की तलाश में। और वहीं इनको मुंबई में मशहूर डायमंड सप्लायर महिंद्रा ब्रदर्स की कंपनी में इनको सबसे पहली नौकरी मिलती है। 3 सालों तक ये डायमंड का काम सीखते हैं और उसके बाद ये डायमंड का ब्रोकरेज का काम जावेरी बाजार में खुद का शुरू करते हैं। शुरुआती छोटी सफलता इनको मिल गई थी, लेकिन इनकी जिंदगी बदलने की शुरुआत साल 1981 में होती है, जब इनके भाई ने एक प्लास्टिक की कंपनी को खरीदा। उस कंपनी में गौतम अडानी में जाके साथ में काम करने लगते हैं, लेकिन वो कंपनी चल नहीं रही थी और उस कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंडिया की जो कंपनीज थी वो रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रही थी। गौतम अडानी को यही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। ऐसे में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हुए इन्होंने कांडला पोर्ट से प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का इंपोर्ट करना भारत में शुरू कर दिया और यहीं से इनको शुरुआती सफलता मिलने लगी थी। साल 1988 में इन्होंने 5,00,000 रुपए लगा के अडानी एक्सपोर्ट की शुरुआत करी और जिसका नाम बाद में बदल के अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी की ट्रेडिंग हुआ करती थी। काम काफी अच्छा चल गया और उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस को 1994 में शेयर बाजार में भी लिस्ट कर दिया गया। इसके बाद साल आता है 1995 और इसने गौतम अडानी की जिंदगी को बदल के रख दिया, क्योंकि इसी समय गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी और गौतम अडानी को यहां पे एक बड़ा मौका दिखाई दिया और उन्होंने मुंद्रा पोर्ट के लिए अपनी बिडिंग लगाई और वो इस बिडिंग को जीत जाते हैं। मुंद्रा पोर्ट जीतने के बाद इन्होंने साल 1998 में अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी की भी शुरुआत की। अगर हम इस पोर्ट के बारे में बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये करीब 8,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मुंद्रा पोर्ट जितना इनके लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सिर्फ यही एक पोर्ट ऐसा था जो रेलवे लाइन से नहीं कनेक्टेड था, बाकी गवर्नमेंट के सारे पोर्ट्स रेलवे लाइन से कनेक्टेड थे। यहाँ पे गौतम अडानी ने एक बड़ी स्ट्रेटजी लगाई, उन्होंने अपने बाकी सारे बिजनेसेस को इसी पोर्ट के आसपास बनाया और उसके बाद 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक रेलवे लाइन से इस पोर्ट को पूरे देश से जोड़ दिया। मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है और इस पोर्ट में अगर हम देखें तो करीब भारत देश के करीब 1/4 माल की आवाजाही यहीं से सिर्फ होती है और साथ ही ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आता है, इसलिए प्रमोटर कंपनी को कोई भी इसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से बनाया करते हैं। आज अडानी पोर्ट भारत की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में से 13 डोमेस्टिक पोर्ट इनके ही हैं। मुद्रा पोर्ट जीतने के बाद गौतम अडानी इसके बाद एनर्जी सेक्टर में आ जाते हैं और आज इनकी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी करीब 12,540 मेगावाट है और ये इंडिया की सबसे बड़ी आज के डेट में सोलर प्रोड्यूसर कंपनी भी है। पोर्ट और एनर्जी सेक्टर में आने के बाद गौतम अडानी अब बड़े पैसे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा पैसा भारत के रसोइयों से कमाया जा सकता है और इसके बाद ये फॉर्च्यून ऑयल के बिजनेस में आते हैं, वही फॉर्च्यून ऑयल जो हम अपने घर में रोज सब्जियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। इसके लिए इन्होंने विल्मर नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और इन्होंने खाने के तेल के कारोबार में अपना सबसे पहला कदम रखा। फॉर्च्यून ऑयल के बाद इन्होंने और सारी चीजों पर भी नजर डाला, जैसे कि दाल, आटा, चावल, ये सारी चीजों पर भी इन्होंने सप्लाई करना चालू किया लोगों को और इन सब चीजों की रखरखाव करने के लिए इन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज बेसिकली वो जगह होती है जहां पे बहुत बड़े क्वांटिटी में अनाज को रखा जा सकता है और इसके बाद इन्होंने रेलवे लाइन के थ्रू इन सभी अनाजों को ले जाने के लिए भारत में अपनी प्राइवेट कनेक्टिविटी बनाई। इसके बाद गौतम अडानी ने देखा कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और इनकी नजर अब कोयले की तरफ गई, जिसके थ्रू आज ये भारत में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई डोमेस्टिकली जनरेट करके किया करते हैं। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि कोयला इनको भरपूर नहीं मिल रहा था, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद लिया।
फॉर्चून इंडिया मैगजीन के मुताबिक करीब 2010 में गौतम अडानी ने एनर्जी में 12,174 करोड़ रुपए में कोयला का खदान ऑस्ट्रेलिया में खरीदा। इस खदान में करीब 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं जो हर साल करीब 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकते हैं। इसके बाद गौतम अडानी ने देखा कि इंडोनेशिया में तेल, गैस और कोयला के बहुत ज्यादा सरप्लस क्वांटिटी है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है जिस वजह से उन चीजों को निकाला नहीं जा सकता है। तो वहां पे अब इन्होंने करीब $3 अरब का निवेश करने की घोषणा किया और सुमात्रा आइलैंड के खदानों से कोयला निकालने के लिए उन्होंने करीब 250 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने का काम करना शुरू किया। अदानी का साम्राज्य साल 2002 में करीब 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 आते आते करीब 10 अरब डॉलर का बन गया। इसके साथ ही इन्होंने देखा कि भारत में नेचुरल गैस की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो 2017 में इन्होंने इस बिजनेस में भी कदम रखा और इसके साथ ही 2017 में ही इन्होंने सोलर पीवी पैनल बनाने की भी शुरुआत किया। अभी तक भारत में पोर्ट और रेलवे लाइन पे एक अपनी बड़ी पकड़ बना चुके गौतम अडानी की नजर भारत में एयरपोर्ट्स पे थी, तो इन्होंने साल 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली और अगले 50 सालों तक इन्हीं की कंपनी इन सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज किया करेगी। और इसके साथ ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसमें भी इनकी 74% करीब हिस्सेदारी है। मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट है और वहां से आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा कमाई होती होगी। आज भारत में हर चौथा आदमी अडानी से ही मैनेज एयरपोर्ट पे ट्रेवल किया करता है। तो दोस्तों आपको इनकी स्ट्रेटेजी तो बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी। सबसे पहले अडानी ने अपने आप को पोर्ट वाले एरिया में एस्टेब्लिश किया, उसके बाद इन्होंने रेलवे लाइन की तरफ अपने आप को एस्टेब्लिश किया और इसके बाद ये एयरपोर्ट्स की तरफ अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो तीनों जो सोर्सेज होते हैं ट्रैवलिंग के वो सारे आज गौतम अडानी के पास मोनोपोली में है। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से गौतम अडानी ने अपने आप को कोविड-19 के बाद इतना ज्यादा बढ़ाया वो समझते हैं हम। तो दोस्तों कोविड-19 के बाद गौतम अडानी ने किस तरह से अपने आप को इतना तेजी से ग्रो किया उसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले गौतम अडानी बहुत बड़े एक विजनरी हैं, उन्होंने बहुत पहले ही समय को समझा था, इसीलिए उन्होंने कई सारे सेक्टर्स में अपने आप को पहले ही डेवलप कर लिया था, जैसे कि एयरपोर्ट सेक्शन हो गया, सी पोर्ट्स हो गए, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज, थर्मल, रिन्यूएबल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर, डिफेंस, एग्री और फूड्स और रियल इस्टेट, ये सारे सेक्टर्स में पहले से ही ग्रो कर चुके थे। और कोविड 19 के बाद जब एक बड़ी डिमांड भारत में पैदा हुई तो उसको ये पूरी तरह से सप्लाई करने में सफल रहे थे। दूसरा अगर हम रीजन की बात करें तो यूक्रेन रशिया के बीच में जो क्राइसिस हुआ उसने इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल बेसिकली तीन ही कंट्री सप्लाई करती हैं जिसमें है इंडोनेशिया, रशिया और यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन तो आपस में लड़ाई में लग गए, वहीं इंडोनेशिया अकेले पूरी दुनिया की डिमांड नहीं फुलफिल कर सकता था, जिस वजह से बाकी दुनिया ने अपने आप को दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ देखना शुरू किया। और दूसरे अल्टरनेटिव्स को अगर हम देखें तो ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, यही सारे ऑयल हुआ करते हैं जिसको गौतम अडानी ने फुलफिल किया पूरी दुनिया की डिमांड, जिस वजह से अडानी विल्मर के शेयर्स करीब 42% से ज्यादा बढ़े हैं इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद। तो यही दो बड़े रीजन है जिसने इनको बहुत ज्यादा स्टेबल कर दिया पिछले 1-1.5 सालों के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, हम इसमें पार्ट 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि गौतम अडानी ने 2012-13 में ही समझ लिया था कि इंडिया में डेटा सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, इंडिया में एयरपोर्ट्स के सेक्टर्स में काफी ज्यादा ग्रोथ आ सकता है। तो ये सब चीजों पे भी हम बात कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में। और अडानी ने अभी ACC सीमेंट को भी एक्वायर किया है, इसके पीछे भी इनकी एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, तो ये सब कुछ हम वीडियो के पार्ट 2 में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।